शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गिरा दे इस पाप को, मैं कहती हूँ गिरा दे इस पाप की निशानी को। आपने तो आसानी से कह दिया मम्मी कि गिरा दे इस पाप की निशानी को, लेकिन जब मैं आपके पेट में थी तब क्यों नहीं गिराया मुझे? आखिर मैं भी तो पाप की निशानी थी। होश में बात कर। मैं होश में बात कर रही हूँ मम्मी, गुस्से में तो बात आप कर रही है। अपनी परछाई पर पैर पड़ा तो तिल मिला उठी आप। बकवास मत कर, तुझे इस बच्चे को गिराना ही होगा। नहीं मम्मी नहीं, आप भी तो नहीं गिरा सकी थी, इसलिए ना कि उस वक्त आप माँ थी और मैं आपके कोख में थी। आज मैं माँ हूँ, मैं भी अपने प्यार की निशानी को नहीं गिरा सकती। मैं भी अपने बच्चे को जन्म दूंगी, मैं भी इस दुनिया से उसी तरह लड़ूंगी जैसे आप मेरे लिए लड़ रही हैं। क्या कहा? डॉली सुना सुना आपने, क्या बकवास कर रही है? डॉली ठीक कह रही है। हाँ राधा, कल ही मैं उस समाज के ठेकेदार मेहरा से मिलूंगा और बात करूंगा। अब चुप हो जा डॉली, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बात बताओ, लड़का होगा या लड़की? डॉक्टर श्याम वर्मा, द गेट क्रैशर। गेट क्रैशर तो आपको नहीं कह सकते, लेकिन सिचुएशन तो वैसी ही है। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बात इतनी जरूरी और नाजुक है कि मुझे आना ही पड़ा। क्या मैं आपसे 5 मिनट अकेले में बात कर सकता हूं? जानता हूं साहब क्या बात करनी है आपको मुझसे। साहिबान, डॉक्टर श्याम वर्मा मुझसे कुछ बात करने आए। कुछ दिन पहले इनकी बेटी आई थी वही बात करने, फिर इनकी बेगम तशरीफ लाई वही बात करने, और अब ये खुद आए हैं चलकर वही बात करने। मैंने कहा ना मिस्टर मेहरा कि बात इतनी नाजुक है कि नाजुक वाजुक क्या होता है साहब। साहिबान बात सिर्फ इतनी सी है, इनकी बेटी को मेरे बेटे से मोहब्बत है, मोहब्बत। और इनकी बेटी एक नाजायज औलाद है जिसने इनकी रखेल के पेट से जन्म लिया। मिस्टर मेहरा आप ही बताइए, आप में से कोई साहब नाजायज लड़की से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हैं? नहीं कभी नहीं। साहिबान आप ही की तरह से मैंने भी यही कहा था कि मेरे बेटे की शादी एक नाजायज लड़की से हरगिज नहीं हो सकती। आप बार बार मेरी बेटी को नाजायज कहते जा रहे हैं और मेरी बात सुने बगैर अपना फैसला दोहराते जा रहे हैं। समाज के उसूलों के खिलाफ जो काम आपने किया है उसकी सजा आपको भुगतनी होगी, आपकी बेटी को भुगतनी होगी। क्यों साहिबान, गलत कहा मैंने? ठीक कहते हैं आप डॉक्टर साहब, दुनिया में कितने ही नाजायज लड़के पड़े हैं, उनमें से किसी एक के साथ शादी कर दो अपनी बेटी की। मैं बात बंद करो। डॉक्टर श्याम, इससे पहले कि पार्टी का मजा किरकिरा हो आप यहां से चले जाएं। मिस्टर मेहरा, जिन पैरों से मैं यहां आया हूं उन्हीं पैरों से मैं वापस भी चला जाऊंगा। मेरे दिल में अब भी थोड़ी सी इज्जत है आपके लिए, इसलिए अकेले में मेरी बात सुन लीजिए। मुझ में सुनने का हौसला है, अगर तुम में कहने की हिम्मत है तो कहो सबके सामने। आप नहीं मानते तो सुनिए, मेरी बेटी आपके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। ब्लैकमेलिंग का ये नया तरीका निकाला है तुमने? ये ब्लैकमेलिंग नहीं, एक सच्चाई है। तुम्हारा बेटा भी एक नाजायज औलाद का बाप बनने वाला है। बंद करो ये बकवास। जानता है तू एक कानूनी आदमी के सामने खड़ा है, तेरी ये जुरत इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर बाहर निकालूं, इससे पहले कि आप इन्हें धक्का देकर बाहर निकालें मुझे आपसे कुछ कहना है। सुना तुमने? सुना ये डॉक्टर क्या बकवास कर रहा है? सुन लिया, अब आप भी सुन लीजिए डैडी। दिपिंती की कोख में जो बच्चा है वो हमारे प्यार का फूल है। What? मुझ में और मेरी मोहब्बत में इतनी हिम्मत है डैडी कि मैं ये सच्चाई खुलकर मंजूर करूं,
मैं दीपिंती से शादी करूंगा। क्या बकवास कर रहा है? एक मामूली सी गिरी हुई लड़की जो समाज की नजरों में पाप की तस्वीर है, उससे शादी करेगा? हाँ करूंगा। वो आपके लिए पाप की तस्वीर हो सकती है, मगर मेरे लिए पूजा का फूल है। आप उसूल और कानून के नशे में बेहोश हैं डैडी। आप तो इंसानों को भी कानून की किताब की तरह पढ़ते हैं। खामोश, बदतमीज। आज मैं खामोश नहीं रहूंगा, इतना सुन लीजिए आप। मैं अब जीऊंगा तो दीपिंती के लिए, मरूंगा तो दीपिंती के लिए। आप भूल जाइएगा कि आपको कोई बेटा भी था। शादी का निमंत्रण पत्र भेज दूंगा, वक्त मिले तो जरूर आइएगा। आइए सर। डॉक्टर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये शादी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। फेरों का कार्यक्रम समाप्त हुआ, अब अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिए। रोक दीजिए ये शादी। शादी रोक दीजिए? क्या मतलब? शादी तो हो चुकी। ओह, द क्राइम इज ऑलरेडी कमिटेड। जुर्म पूरा हो चुका है। इनको गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर। गिरफ्तार कर लीजिए? क्या जुर्म किया है हमने? क्या गुनाह हमारा? बहुत बड़ा गुनाह किया है तुम सबने। डॉक्टर श्याम, तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? डॉली 16.5 साल की है। गोया के नाबालिग है। लड़की की उम्र 16.5 साल और अमित की उम्र 20 साल। न लड़की ने 18 साल पूरे किए और न लड़के ने 21 साल। दोनों नाबालिग, और कानून के तहत नाबालिगों की शादी कराना एक जुर्म है। शादी करवाने वाले मां बाप और पंडित सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। दफा 496 IPC के तहत आप सब मुजरिम हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको इंस्पेक्टर। अगर यह जुर्म है तो इस जुर्म का जिम्मेदार मैं हूं। इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? अगर गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार कीजिए। देखो इंस्पेक्टर, आज तो इन बच्चों की नई जिंदगी शुरू हो रही है। आई एम सॉरी डॉक्टर श्याम, गुनाह आप सबने मिलकर किया है। मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। बेहतर होगा आप शरीफों की तरह मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले चले, प्लीज। डॉक्टर श्याम, आप सबकी जमानत हो गई। किसने दी जमानत? वो साहब ने। अपने दोस्त को माफ कर देना श्याम। तेरी दोस्ती पे हमेशा नाज रहेगा मेरे यार। योर ऑनर, ये बिगमी का सही और ठोस केस ही नहीं बल्कि एक नाजायज औलाद का मामला भी है, और नाबालिगों की शादी कराने के जुर्म का मुकदमा भी। डॉक्टर श्याम वर्मा, आपकी पहली पत्नी मिसेज रुक्मणी वर्मा क्या आपके साथ रहती हैं? जी हाँ। तो फिर आपको राधा से दूसरी गैरकानूनी शादी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैं अपनी बेटी दीपिंती को अपना नाम देना चाहता था। योर ऑनर, डॉक्टर श्याम अपनी हवस और वासना पर पर्दा डाल रहे हैं। बेटी को नाम देना तो सिर्फ एक बहाना है। जरा देखिए योर ऑनर, राधा जैसी खूबसूरत औरत इनकी बीवी बन सके, इसलिए इन्होंने उसकी बेटी को अपना नाम दे दिया। सच्चाई यही है योर ऑनर। ये गलत है जज साहब। सवाल राधा की इज्जत का था, एक बिन ब्याही मां की सम्मान का भी था। इससे पहले कि राधा समाज के लिए गाली बन जाती, मेरे पति ने उसे पत्नी का दर्जा देकर पाप को पुण्य में बदल दिया। पाप को पुण्य में नहीं रुक्मणी जी, बल्कि डॉक्टर श्याम वर्मा ने समाज और कानून की मर्यादा तोड़कर पुण्य को पाप में बदल दिया। योर ऑनर, अब मैं इनकी गैर कानूनी बीवी राधा जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। राधा जी, अपनी शादी से पहले क्या आपको मालूम था कि डॉक्टर श्याम एक शादीशुदा आदमी है? जी, मुझे मालूम था। इसके बावजूद आपने डॉक्टर श्याम से
गैर कानूनी शादी की। गैर कानूनी नहीं वकील साहब, जिंदगी ने इतना वक्त ही नहीं दिया कि मैं दुनिया के कानून जानती। दिल की दुनिया से मैंने जिंदगी शुरू की थी, बस उसी दिल के कानून जानती हूँ। झूठ बोलती हैं आप। आपने डॉक्टर श्याम वर्मा से जानबूझकर शादी की। पहाड़ सामने खड़ा हो और आप कहती हैं आपने पहाड़ को देखा ही नहीं। मैं कब इनकार करती हूँ कि मैंने पहाड़ को देखा नहीं, लेकिन क्या कभी किसी ने पहाड़ से उसकी ऊंचाई पूछी है? पहाड़ की ऊंचाइयों के सामने सबके सर झुक जाते हैं वकील साहब। मेरा सर भी उसी तरह श्याम के सामने झुक गया था। खूबसूरत शब्दों को समेट कर कहानियां खूब घड़ते हैं आप लोग। ये कहानियां नहीं है मिस्टर मेहरा, ये सारी सच्चाइयां। श्याम और राधा ने जो गलती शादी से पहले की थी, ये शादी करके उन्होंने उसी गलती को तो सुधारा है। सुधारा नहीं, बल्कि समाज और कानून के उसूलों को तोड़ा है। मिसेस श्याम वर्मा, क्या ये सच है कि डॉक्टर श्याम वर्मा और राधा की शादी आप ही ने करवाई थी? जी हाँ। ये जानते हुए भी कि ये शादी जुर्म है, गैर कानूनी है? जज साहब, मैं भी एक औरत हूं। मुझे ऐसा लगा जैसे राधा के सारे दुख दर्द मेरे दुख दर्द हैं। राधा को उसकी मां का सिंदूर देकर कौन सा गुनाह किया है मैंने? बहुत गुनाह किए हैं आपने मिसेज रुक्मणी वर्मा, और इन गुनाहों के लिए एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। सबसे बड़ा जुर्म आपने किया है नाबालिग बच्चों की शादी करा के। शादी कोई जुर्म तो नहीं है वकील साहब। अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि प्यार क्या कानूनी किताब पढ़कर किया जाता है? प्यार करना जुर्म नहीं है, लेकिन नाबालिग बच्चों की शादी जानबूझकर कराना एक संगीन जुर्म है, और यह जुर्म आप सबने मिलकर किया है, सोच समझ कर किया है। आप सबने इस मुल्क के कानून को तोड़ा है।